बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरी से होंगे, ठीक होंगे, खुश बाश होंगे। माय नेम इज़ हदीका मोहसिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोग डर्मा क्लियर ऑर्डर किया था, जो कि मैंने कहा काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं भी ये यूज़ करती हूँ और आप लोगों को इसके ऊपर रिव्यू देती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। आजकल आई क्यू का हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड सेकंड नंबर पे ये डर्मा क्लियर का बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो मैंने सोचा जल्दी से इसको डर्मा क्लियर को ऑर्डर कर लेते हैं और आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। दो बार यूज़ कर लिया है और उसके बाद आप लोगों को मैं आपका इसका रिव्यू दे रही हूँ। मैंने ट्रायल पैक ऑर्डर किया क्योंकि मैं अपनी स्किन के साथ रिस्क नहीं लेती, तो मैं लोकल चीज़ें नहीं यूज़ करती, तो मैंने सुना थी अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी जो सीरम वगैरह है उसके काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये देखें, इनके अंदर 7 स्टेप इन्होंने दिए हुए हैं, क्योंकि ये ट्रायल पैक है तो इसमें 7 ml, 5 ml, 10 ml के हिसाब से ज़ाहिर है आप दूसरी जब आएँगे तो ज़ाहिर है मैं दूसरी वाली बाद में ऑर्डर करूँगी। पहले मैंने कहा ट्रायल पैक यूज़ करके देखते हैं कि बाकी इसका रिजल्ट जैसे लोग बता रहे हैं वैसा है या नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है कि ये ट्रायल पैक भी दिया हुआ है कि आप पहले यूज़ करके देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरीके से। इसको ओपन करते हैं, मिनी मिनी सी है, ये 7 स्टेप हैं और बहुत इजी इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने सारा तरीका इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप कोई मुश्किल नहीं होगी कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है, किस तरीके से कौन सी पहले यूज़ करनी है, कहाँ कितना टाइम यूज़ करनी है। तो काफ़ी अच्छा मुझे तो लगा है, इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी ज़बरदस्त, इसका जो अंदर का लिक्विड वगैरह है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये इनका सीरम है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है प्रोडक्ट में और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस किस तरीके से कौन सी चीज़ पहले इस्तेमाल करनी है, इनका क्लिनसर, मसाज और फेस फ्रेशनर ये किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, स्टेप आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं आपको करके नहीं दिखा रही इस वीडियो में, क्योंकि जो है आपके आपको पता है, आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने स्टेप करके फेशियल करना, मैं आपको फेशियल नहीं करना सिखा रही। इसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपने पहले क्या है। फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है डीप क्लींजर, जो कि आपने अपने पूरे चेहरे पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, 5 मिनट तक क्लींजिंग करनी है अपने चेहरे पे, उसके बाद फेशियल स्पंज से आपने अपना पूरा चेहरा साफ़ कर लेना है। सेकंड नंबर पे जो है आपने इनका फेस फ्रेशनर जो है वो आप पे ले लेना है और उससे आप अपने पूरे चेहरे और अपनी गर्दन आपने साफ़ कर लेनी है फेस फ्रेशनर, इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। और उसके बाद आपने 5 मिनट तक खुश्क होने देना है। थर्ड नंबर पे जो है आपका स्क्रब लगाना है अपने चेहरे पे और अपनी फिंगर्स टिप से जो है अपने चेहरे पे रब करना है, गर्दन पे रब करना है, ताकि आपके जितने भी डेड सेल्स हैं वो सारे आपके गर्दन और चेहरे से उतर जाए। इसके बाद आपने अपने चेहरे को स्टीम देनी है, किसी भी पतीली में आप पानी ले लें, हल्का सा गर्म कर लें, बॉयल कर लें और उससे आपको स्टीम दे दें। अगर आपके पास फेस वाला स्टीमर है तो आप उससे भी ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपने फिर ये रेडिएंट वाइटनिंग क्रीम लेनी है, जिसे आपने 10-15 मिनट अपने चेहरे और गर्दन का मसाज करना है और उसके बाद आपने फेशियल स्पंज से चेहरा साफ कर लेना है। उसके बाद 6 नंबर पे आपने ये सीरम ले लेना है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आपने इसके 5 या 6 ड्रॉप जो हैं अपने चेहरे पे लगाने हैं, जहाँ दाग धब्बे हों वहाँ आप 2 बार लगाएँ और 5 मिनट तक इसको लगा रहने दें। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है, आप इजीली इसको ड्रॉप अपने चेहरे पे आप लगा सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने दिया हुआ है। ये इन्होंने देखें इस तरीके से बनाई हुई है कि आप अपने चेहरे पे टपका सकते हैं और इजीली जहाँ जहाँ आपके दाग धब्बे जाइए हैं आप वहाँ पर लगाएँ। 7 स्टेप पर आपने ये मास्क लगाना है, जो कि आपने किसी भी ब्रश की मदद से लगाना है। ये क्रीम फॉर्म में है, आपको स्पंज से साफ़ करना पड़ेगा। आखिर में आपने ये बैलेंस वाइटनिंग क्रीम, जो कि आपके फेशियल को मुकम्मल करेगी, इससे आपने जो फेशियल किया है वो आपके चेहरे पे लगा रहेगा, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आएगा, वो बैलेंस रखेगा। ये बहुत ज़बरदस्त फेशियल है, मैंने 2 बार किए और मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। हालांकि ये ट्रायल पैक है तो ये 2 बार लग चुका है, तो मुझे तो काफ़ी ये पसंद आया। आप देखें, बाहर जाते हैं किसी भी पार्लर में फेशियल करवाते हैं अच्छा वाला, वो 4 से 5 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अच्छा वाला लगवा लें, लोकल वाला मंगाएंगे डैमेज होगी आपकी स्किन। इन्होंने मुझे ये साथ में ये चीज़ें भी दी थी कि आप ये देख के ऑर्डर कर सकते हैं। देखें, इसमें दूसरे फेशियल्स भी हैं, आप सिंगल स्टेप भी इनकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। मैं इनके का जो लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि लोकल भी आ जाते हैं, मैंने इसको दराज से ऑर्डर नहीं किया है, मैंने इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से किया है, ये मैंने ऑर्डर किया था और ये ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा है। यर्मा क्लियर का जो मैंने ऑर्डर किया ट्रायल पैक, इसमें एक तो बेसिक वाइटनिंग ट्रीटमेंट है और एक एडवांस है, तो ये आप मंगा सकते हैं। दोनों 7 स्टेप हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो वाला इन्होंने मुझे
दिया है वो ऑल टाइप का है, तो मैंने तो ये ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद आया था। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैंने ये काफ़ी सुना है, मेरे रिलेटिव में भी काफ़ी सारे लोगों ने ऑर्डर किया, उन्होंने मुझे ये भी दिया है, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। ये मैनीक्योर पेडीक्योर का इन्होंने मुझे दिया है, इसके भी 5 मैनीक्योर पेडीक्योर के 5 या 4 स्ट्रैप हैं इन्होंने दिए हैं, और ये काफ़ी ज़बरदस्त हैं, सबके अलग अलग, मतलब कि आप घर में बैठ अच्छा ग्लो अच्छा रिज़ल्ट आप घर में ले सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं इनके सारे। आप यहाँ से वेबसाइट से ये ऑर्डर करें देख के, और आप सिंगल सिंगल भी ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। मुझे जो सबसे अमेजिंग बात लगी, आप ये देखें, मैंने 2 बार ये यूज़ किया है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ हुआ है, इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। हालांकि ये 7 ml था और इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया है। आप 100 ml मंगवाएंगे तो आप सोचें आपका वो कितना ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा यूज़ होता है। मुझे ये 1300 मिला था, अगर आप इसका 100 ml वाला मंगवाते हैं तो वो आपको तकरीबन डिलीवरी समेत 6000 का पड़ जाएगा, लेकिन आपका बहुत टाइम वो यूज़ हो जाएगा और आप घर में ही अच्छा रिज़ल्ट ले सकेंगे। मैं आपको इसकी क्रीम चेक करवाती हूँ कि आपकी इसकी क्रीम इतनी ज़बरदस्त है, क्रीमी फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, और दूसरा ये कि इनकी जो खुशबू है वो काफ़ी हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं है कि दिमाग में जाके लगे, इतनी डिसेंट सी खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत डिसेंट सी खुशबू है और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, इतना मुलायम मुलायम सा आपके चेहरा हो जाएगा। मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी ज़बरदस्त मेरी स्किन हो गई थी। इनका ये जो स्क्रब है वो भी काफ़ी अच्छा है कि इसमें जो बारीक बारीक होते हैं वो इतने बारीक हैं कि आपकी स्किन, आप इसको अपनी स्किन पे रब करेंगे मास्क को तो आपकी स्किन कहीं से छिलेगी नहीं, बहुत ज़बरदस्त है कि आपको फील होगा कि आपको मसाज आपकी स्किन पे हो रहा है। ये मास्क है जो कि आपको मैंने बताया था कि ये क्रीम फॉर्म है और ये सूखता नहीं है, आपको ब्रश की मदद से लगाना पड़ेगा और स्पंज से इसको साफ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़बरदस्त है इनका मास्क, मुझे अच्छा लगा इनका मास्क, और ये फेस फ्रेशनर है, इससे आपने अपने पूरे चेहरे को और गर्दन को साफ करना है, यह आपके चेहरे से सारा मैल जितने भी डेड सेल्स होंगे वो सबको हटा देगा। ये मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हर फेशियल किट में नहीं आता है। उसके बाद ये क्लिंजर है, तो क्लिंजर भी इनका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इनका सीरम तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि मैंने अपने डार्क सर्कल से ये यूज़ किया था और मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ, जहाँ जहाँ मेरे चेहरे पे स्पॉट थे वो काफ़ी, और इससे मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई थी। आपको मैं ड्राई करके दिखाती हूँ, आपको शायद फील हो कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, और आपको मेरे हाथ में महसूस भी हो रहा होगा कि कितना फ़र्क आया। तो आप लोग भी यूज़ करके मुझे ज़रूर कॉमेंट बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद योगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।